व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी का मौसम हो रहा है बिल्कुल मतलब क्या ही बोलूं भाई, सुबह से इतना ठंड वाला मौसम हो रहा है ना यहाँ पे। अब चलो कैमरा फ्रंट करके दिखाता हूँ और अभी आपको बताता हूँ अभी हमारे साथ क्या हुआ। बहुत फनी सीन हुआ, फोबट हो गया एक तरीके से हमारा। चलो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ पहले सीन, फिर बताता हूँ क्या बात है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है, पर देखो पेड़ हिल रहे हैं ना, इसकी पत्ती इसकी इतनी कम नहीं हिल रही, इसकी ही नहीं हिल रही, इसकी ही हिल रही है, यहाँ की भी हिल रही है, इसकी नहीं हिल रही, पता नहीं क्या। हाँ बीच बीच में हवा ऐसे जा रही है, ऐसे रुक रही है। और बाकी तो भाई आज बारिश भी बहुत हुई, देखो यहाँ पे पानी पड़ा है ना, ये पानी ये सब बारिश हुई थी आज। और अब हम बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ, बताऊं गाइस। अभी का टाइम हो रहा है गाइस, रुको, ये है मितांश और अभी का टाइम हो रहा है 11:11। इसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, इसके स्कूल का नाम है ना बचपन का स्कूल, इसने पूरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, बात किया इसका स्कूल रहता है 9 बजे से, है ना 9 बजे से ना 9:30 साढ़े आठ। तो भाई इसका स्कूल रहता है 8:30 से, और बेचारा बारिश हो रही तो चाचा गाड़ी लेके चले गए थे ना अपने ऑफिस, और इसको भी छोड़ के आए थे, है ना, तो इसको तो छोड़े आए। और फिर जब फिर बच्चे क्लास में चले जाते हैं ना, तो फिर इसको देखा क्लास में कोई नहीं है, पूरी स्कूल में कोई नहीं है। फिर इसकी मैम ने बताया कि आज छुट्टी, फिर इसके बाबा के पास कॉल किया, फिर इसको बाबा भी लेने गए थे, मतलब पेरेंट्स मतलब पीटी हम थी ना आज, है ना, तो फिर छुट्टी थी। और ये बेचारा स्कूल ड्रेस और बैग लेके वहाँ पे है। चल स्कूल ड्रेस तो पीटीएम में पहन के भी जाते हैं, पर हम तो नहीं पहनेंगे आता, हमारे स्कूल वाले चाहे कितना भी कहते हैं, मैं नहीं पहनने जाता भाई, मैं आता ही नहीं हूँ पीटीएम में, बहुत कम आता हूँ। और अभी हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े, मीनू हुआ जबरदस्ती कह गया, वरना तो बना नहीं रही थी अभी तक, बाबा साहब ने थोड़ा उनसे जबरदस्ती करी कि ब्रेड पकौड़ा बनाओ, हाँ क्योंकि मैंने कहा। और अभी ये उदास बैठे हैं, क्या करें हम, क्योंकि अभी बाबा के साथ आए थे ना बाइक पे, अब बाबा ने इसको बाबा ने ब्रेड लाए थे, पनीर लाए थे, और इसके लिए आइसक्रीम नहीं ली, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, और इसको सर्दी जुकाम भी सा रहता है खांसी सी, तो इसलिए आइसक्रीम नहीं दिलाई। और अभी ये रूठा हुआ है, ऐसे नहीं चाटते खाट, गंदी संदी होगी, गंदी संदी, देखो भाई ऐसे नहीं चाटते मितांश, क्या क्या भाई। अब बाबा से गुस्सा है, कह रहा आइसक्रीम नहीं दिलाई ना आपने, ठंड बढ़ रही है, और ये ठंडी भी बढ़ रही है इसलिए, मना भी कर रखी है, अपनी नाक सही कर ले। मेरा एक हाथ और ये दोनों हाथ लगा रहा है, ओ भाई जान तो है भाई, बच्चे में जान तो है थोड़ी सी। गाइस अभी इसमें हमने आलू और पानी रख दिया, अभी उबलेंगे, फिर इसके छिलके उतारेंगे, फिर इसको मैश करेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे अच्छे से, मुझसे मार मार के, फिर उसके बाद इनको ब्रेड के बीच में डालेंगे, फिर बेसन ना, हाँ फिर बेसन का वो जान क्या बनाते हैं, गोल पानी में सब मिला के फिर उसको तलते हैं। तो फिर चलो गाइस अभी तो बन रहे हैं, इतने मैं नहा लेता हूँ, चलो गाइस नहाते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे कारपेंटर की शॉप है, किस चीज़ की, अच्छा गाइस ये है मतलब ऐसी दुकान जहाँ पे सिंक विंक ये सब सब चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे टाइल वाइल जितनी भी चीज़ें की। और अभी हमने यहाँ से एक वो लिया है जो टंकी के नीचे एक पाइप सा लगता है ना, पाइप जो रहता है लंबा सा, उसका जो बोल्ट सा रहता है वो लिया है, इसमें है हाँ वॉश बेसन के नीचे जो रहता है उसका। और चलो अब चलते हैं गाइस, यहाँ का कुछ सीन है, छत से कुछ ऐसा देख रहा है अभी हम, गाइस देखो बंदर गाइस बंदर वो बैठा, इतनी तगड़ी नज़र है भाई मेरी, देखिए गाइस बंदर वो उसमें बैठा हुआ है वहाँ पे, है ना गाइस बंदर हो रहा गाइस, गाइस यहाँ का सीन कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ से दिखता है हाईवे, मैं बता रहा हूँ गाइस, यहाँ से हाईवे ये पूरा, यहाँ से ऐसे NH9 या 19 करके कुछ है, ऐसा सीन है कुछ, ऐसा मौसम हो रहा है, धूप भी सनसेट हो रहा है, सनसेट कुछ ऐसा दिखता है भाई पूरा,
यहाँ की एक डिस्ट पूरी टूट गई आंधी की वजह से, इसका पूरा बोल्ड मतलब पूरा निकल गया भाई, ये पूरी डिस्ट, इसका कंकाल मतलब जो भी कहो, इसका आगे का माइक सब निकल गया, जहाँ पर माइक से लगा रहता ना जैसे उसमें लगा, ये भी निकल गया इसका। बाकी दो तो अभी सही सलामत है, एयरटेल की एक और डिस्ट टीवी HD फोन की है। और अभी हमने आगे जितनी भी रस्सी वस्सी थी लगी हुई थी ना ऐसे 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 कपड़े सुखाने की, सब निकाल दिए। और क्योंकि अब वो होगा ना यहाँ पे फंक्शन है इसलिए, और फिर क्या कहते हैं मतलब जैसे और ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो फिर यहाँ पे सही रहता है। और नीचे भी वहाँ पे होगा मतलब बाहर के साइड तो होगा खाना वाना, और यहाँ या यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से वो पंडित बैठ के खाएंगे ना। और यहाँ पे कुआ पूजन भी, कहीं कुएँ पे पूजे कुआ या नल पे, और खाना वाना तो सब यहीं कहीं वहाँ होगा शायद उस तरफ, फिर सब कुछ साफ होगा, जितना भी ग्राउंड है साफ होगा। और अभी छत भी साफ कर रहे हैं, जैसे गेस्ट आते रहते हैं छत पे ऐसे ऐसे। अभी यहाँ पे इतनी सारी रस्सी उलझी पड़ी थी ना, ये रखा इस गुच्छा, ये रहा गुच्छा रस्सियों का, मैं अभी चाचा ने और मैंने किया सही पूरा इतना। हाँ अभी रात हो चुकी है और अभी भी हम काम करा रहे हैं, मैं चाचा और बुआ और उधर पीछे साइड बाबा साहब भी हैं। और मैंने अभी चीक दी भाई, कितना ऑसम सा लग रहा, मतलब अच्छा लग रहा है ये देखो भाई, यहाँ से ऐसे 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 फिर नीचे जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उधर से ऐसे ऐसे, फिर ट्रायंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल, मतलब चाचा के गाने गाई दिए रहे, चाचा गाना गा रहे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है ऐसे 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 ऐसे, हाँ से ऐसे भाई से, मैं तो ये चीज़ भाई अभी गैस करे भाई, ये चीज़ भाई देखो ऐसे रेलिंग रेलिंग सी ऐसे भाई। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि आज हमने ये सब किया था, आज हमने साफ़ सफाई भी करी थी पूरी छत पे, और मितानजी साथ वो फोटो हुआ था, और स्कूल गया, और स्कूल में मतलब PTM थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, तो उसमें वो अकेला ही चला गया, मतलब उसको लगा कि मतलब चाचा को लगा कि आज स्कूल है, स्कूल भेज दिया। भेजने के बाद फिर वहाँ से प्रिंसिपल मैम का कॉल आया वहाँ से कि ऐसे वैसे ऐसे ऐसे ऐसा आज PTM है, तो फिर हम उसकी फिर लेने गए थे PTM करी, और फिर बाबा लेने गए थे, और फिर वो आ ही गया था फिर, और फिर आज वो गुस्सा भी हो गए थे ना बाबा से, और क्योंकि बाबा ने ऐसे मिल जाए आज वीडियो में इतना ही, और अब मिलते अपने किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम।